हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डेटाबेस की लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस मीन्स होता है, डेटाबेस तो आपका मेन होता है, अब उसे मैनिपुलेट करना है, मैनेज करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर को मैनेज करना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मैनेज करना है। आपका अनऑथराइज यूजर डेटा को एक्सेस ना करे, उसके लिए आपको कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है, तो वो सारी आपकी एक लैंग्वेज के थ्रू होती है। तो डेटाबेस में आपका थ्योरी पोर्शन आप देख लीजिएगा, अपडेट करना है, इंसर्ट करना है या रीड करना है, आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो वो सारे एक्शन आप डीबीएमएस लैंग्वेजेस के थ्रू परफॉर्म करते हैं। सो टाइप ऑफ डीबीएमएस लैंग्वेजेस आपकी, इसमें फोर टाइप की डीबीएमएस लैंग्वेजेस होती हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। इसके अलावा एक लैंग्वेज और होती है आपकी डीक्यूएल। डीडीएल होता है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होता है आपका, आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, डेटा में आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। डेटाबेस स्ट्रक्चर का मीनिंग है, आपने टेबल बनानी है, एक टेबल आपने बनानी है, इसके लिए आपको कमांड लिखनी है, तो वो आप कमांड लिख सकते हैं, जैसे आपने नेम लिखा, रोल नंबर लिखा, ब्रांच लिखा, ये कर दिया आपने। इसका स्ट्रक्चर आप टेबल का नेम आप दे सकते हैं, स्टूडेंट स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं, बट इंटरनल स्ट्रक्चर में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं डीडीएल के थ्रू। यानी इसके अंदर अगर आपको कुछ एंटर करना है, वो आपकी डीएमएल कमांड के थ्रू परफॉर्म होगा। तो इसमें आप क्या करें, इट इज सेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट डेटाबेस स्ट्रक्चर बट नॉट डेटा। जो भी एक्शन परफॉर्म होगा स्ट्रक्चर पे होगा, डेटा पे कोई भी चेंजेस इसमें नहीं करेंगे आप। इट इज यूज टू क्रिएट स्कीमा टेबल इंडेक्सेस। स्कीमा टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं, स्कीमा इंडेक्सेस आप क्रिएट कर सकते हैं, कंस्टेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू डीडीएल के थ्रू। सो इसे पढ़ लीजिएगा आप। डीडीएल नॉर्मली यूज फॉर, ये जो परफॉर्म होती है डीडीए को मेनली परफॉर्म करता है आपका डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका। डीबीए ही इसे परफॉर्म कर सकता है, अदर यूजर आपको इसे परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो डीबीए करेगा, एंड डीडीएल के थ्रू आप अपडेट कर सकते हैं स्पेशल सेट ऑफ टेबल कॉल्ड दी डेटा डिक्शनरी और डेटा डायरेक्टरीज, इसको आप अपडेट कर सकते हैं। अब इसमें कमांड क्या क्या होती है आपकी एसक्यूएल की, वो इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ टास्क दैट कम अंडर डीडीएल, डीडीएल के अंदर सबसे पहली कमांड होती है आपकी क्रिएट की, यानी आपको टेबल क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, उसके लिए भी आपके पास कमांड होती है, क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम लिखेंगे आप, स्टूडेंट आपने लिखा, यही टेबल अगर आपको क्रिएट करनी है, नेम लिखेंगे, इसका डेटा टाइप आप दे देंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर कैर, और इसका साइज दे देते हैं हम 50। सेम ऐसे ही आपको रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर आपका इंट फॉर्मेट में है, साइज देने की जरूरत नहीं है, ऐसी ब्रांच आपका है, एंड यहाँ पर आप लिख देंगे वेयर कैर, और ये आपका हो जाएगा 10, और ये सेमीकॉलन लगा है, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका एक टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्रिएट करने की है। ऐसी आपकी नेक्स्ट कमांड है अल्टर। अल्टर का मीनिंग है आपको नया कॉलम ऐड करना है, या आपको पुराना कोई कॉलम रिमूव करना है, या टेबल का नेम चेंज करना है, वो सारा आप अल्टर कमांड से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ड्रॉप करनी है, टेबल को ड्रॉप करना है, डेटा आपको ड्रॉप करना है, डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस, डेटाबेस से आपको डिलीट करना है सारा, तो आप डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप कमांड के थ्रू। ट्रंकेट, रिमूव ऑल रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड आपका रिमूव होगा बट टेबल आपकी बनी रहेगी। कमेंट आप राइटअप करना है वो कर सकते हैं, रिनेम करना है कुछ चीज़ आपको ऑब्जेक्ट का, वो आप कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। ये डिफरेंट कमांड होती है, जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग कमांड भी देखेंगे प्रॉपर। नेक्स्ट आपका डीएमएल होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है, मीन्स इसमें क्या है, डेटाबेस के आप एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं, ए बी सी, रोल नंबर 1, 2, 3 एंड आई टी सी एस ई सी आपने दिया। यहां पर क्या है, डेटा में आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं बट डेटाबेस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, वो आपका होता है डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। मैनिपुलेट कर सकते हो डेटा में, ये आपको चेंज करना है, अपडेट करना है अपडेट कर सकते हैं आप, डिलीट करना है बी को डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस करना है वो आप डीएमएल से करेंगे, बट इसके बाहर के स्ट्रक्चर में आप चेंज नहीं कर सकते डीएमएल से। सो इट इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल कमांड, सेलेक्ट मॉडिफाई डिलीट डेटा इन डेटाबेस नॉट डेटाबेस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सारा आपका ऑपरेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है, आपका डेटा के अंदर। अब टास्क क्या क्या परफॉर्म होते हैं, जैसे आपको कंप्लीट डेटा का सेलेक्ट करना है डेटा, तो आप सेलेक्ट की कमांड लिखेंगे, ये कमांड मैं आपको बता देता हूँ सेलेक्ट की। डेटा को आपको डेटाबेस से एक्सेस करना है तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, आप यहाँ पर लिख देंगे टेबल का नेम एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट लिखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको टेबल जो कि बन के जो भी बनी होगी आपके डेटाबेस में वो आपको शो हो जाएगी। ऐसे ही आपको इंसर्ट करना है, कोई डेटा आपको इंसर्ट करना है वो आप करेंगे इंसर्ट कमांड के थ्रू। अपडेट करना है, कोई डेटा आपका पहले से है उसे आपको अपडेट करना है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। डिलीट करना है डेटा, वो डिलीट भी आप कर सकते हैं। मर्ज करना है डेटा को, मर्ज कर सकते हैं। कॉल करना है कोई डेटाबेस स्ट्रक्चर के क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू, वो कर सकते हैं। और टेबल को लॉक करना है ताकि अनऑथराइज यूजर आपका एक्सेस ना करे, वो भी आप कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन आपके किसके अंदर आते हैं, डीएमएल।
डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसी में जो आपका सेलेक्ट कमांड है, कभी कभी ये क्या करता है आपका, ये जो सेलेक्ट वाली कमांड होती है उसको आपका अलग लैंग्वेज में दे देता है, जिसे हम बोलते हैं DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो याद रखिएगा आप, DQL अगर ये बोलता है, DQL वो आपकी होती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, और उसके अंदर आपकी केवल एक कमांड आती है, वो आती है सेलेक्ट। डेटा को डेटाबेस से सेलेक्ट करने का तरीका जो होता है वो आपका DQL के अंदर आता है। इसके बाद आती है आपकी DCL, DCL होती है आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब आपको डेटा को कंट्रोल करना है कि उसको परमिशन दे देनी है कि इतने प्रिविलेज तक वो यूज करें, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज यूज टू कंट्रोल प्रिविलेज इन डेटाबेस। प्रिविलेजेस का मीनिंग सेलेक्ट, अपडेट, जो भी आपने क्वेरी लिखे उनको प्रॉपर वे में आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर दो टाइप के आपके प्रिविलेज होते हैं, एक सिस्टम से रिलेटेड होता है, एक ऑब्जेक्ट प्रिविलेज होता है। सिस्टम क्रिएटिंग सेशन, टेबल, टेबल का सेशन आप क्रिएट करेंगे, प्रिविलेज क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट का प्रिविलेज आपको क्रिएट करना है, वो आप ऑब्जेक्ट से क्रिएट करेंगे। एंड इसके अंदर जो टास्क आपका होता है, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मीनिंग है यूजर एक्सेस, यूजर को एक्सेस करने के लिए परमिशन दे देंगे आप। रिवोक का मतलब है परमिशन आप बैक ले लेंगे उससे, मतलब आपने अथॉरिटी प्रोवाइड की और जब उसका एक्शन परफॉर्म हो गया उससे अथॉरिटी छीन ली आपने, तो वो आपका रिवोक की कंडीशन होती है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होती है DCL। इसके बाद आता है आपका TCL, TCL होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। मेनली जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है वो आपका, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, मनी ट्रांसफर होता है, उस समय आपका होता है कमिट एंड रोल बैक। इसके अंदर जो कंडीशन आपकी आती है वो है कमिट एंड रोल बैक की। कमिट का मतलब है अगर जब ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तो कमिट कंडीशन हो जाती है। जब देखिए अभी कभी आप क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है और कुछ टाइम बाद वो वापस आ जाता है, तो वो कंडीशन आपकी रोल बैक की होती है। और अगर आपका प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन हो गया है तो वो कमिट की कंडीशन होती है, तो वो ऑपरेशन आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसे मैंने एक सिंपल डायग्राम से बताया है आपको। DBMS के अंदर आपकी फोर टाइप की लैंग्वेजेस हैं। DDL के अंदर आपकी क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, कमिट कमांड आती है। DML के अंदर आपका होता है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, ये आती हैं आपकी। DCL के अंदर आपकी ग्रांट, रिवोक आती हैं। एंड TCL के कमांड आती है आपकी कमिट एंड रोल बैक। DDL में स्ट्रक्चर चेंज होता है, डेटा में कोई चेंज नहीं होगा। इसमें आपका डेटा में चेंज होता है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा। DCL आपकी परमिशन प्रोवाइड करता है, ग्रांट एंड रिवोक, ग्रांट का मीनिंग परमिशन देगा, रिवोक का मतलब परमिशन वापस ले लेगा। एंड कमिट एंड रोल बैक का मीनिंग होता है ट्रांजेक्शन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो कमिट होगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो रोल बैक की कंडीशन हो जाती है, वो आपका कहलाता है TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये आपकी TCL लैंग्वेज होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के आप डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं। थैंक यू स्टूडेंट।